हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडियो चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। आप लोगों का क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी लेक्चर नंबर 7 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जानेंगे हम एफाइन साइफर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना मल्टीप्लेक्सिव साइफर क्या होता है, उसमें हम लोगों ने उसके इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इंक्रिप्शन टेक्निक जानी और डिक्रिप्शन टेक्निक जानी। आज जानेंगे एफाइन साइफर की जरूरत ही क्या पड़ी। और हम लोगों ने जब एडिटिव साइफर पढ़ लिया, मल्टीप्लेक्सिव साइफर पढ़ लिया, मैंने पिछली वीडियो में ये नहीं बताया क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों ही हम लोगों ने एडिटिव साइफर पढ़ लिया। अब हम लोगों को इसके बाद हम लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो थी मल्टीप्लेक्सिव साइफर में, उसकी जरूरत क्या पड़ी नहीं मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं वो भी बताने वाला हूँ, जैसे एफाइन साइफर की जरूरत क्या पड़ी। हम लोग जानते हैं जैसा कि एडिटिव साइफर और मल्टीप्लेक्सिव साइफर लेस सिक्योर है, उसको आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, हैकर आपके मैसेज को आराम से तोड़ सकते हैं। वो उसलिए किस चीज की जरूरत पड़ी थी, एफाइन साइफर। ये एक एफाइन साइफर हम जानते हैं कि मोनो अल्फाबेटिक साइफर है, मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर है, ये भी उसी में आता। पर ये उन दोनों साइफर की अपेक्षा काफी हद तक सिक्योर है और ये स्पेशल केस ऑफ साइफर है। तो यहाँ पर एक चीज लिखा है, जैसे कि द एफाइन साइफर इज अ स्पेशल केस ऑफ द मोर जनरल मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। मैंने लिखा हुआ है जैसे कि द एफाइन साइफर, एफाइन साइफर क्या है, स्पेशल केस साइफर है, और द मोनो मोर जनरल, ज्यादातर जनरल में मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन में इसका यूज किया जाता है। द साइफर इज लेस सिक्योर देन, लिखा हुआ है द साइफर इज लेस सिक्योर देन सब्स्टिट्यूशन साइफर। सब्स्टिट्यूशन साइफर से एक कम सिक्योर है, एज इट इज वल्नरेबल टू ऑल ऑफ द अटैक्स दैट वर्क अगेंस्ट सब्स्टिट्यूशन साइफर इन एडिशन टू अदर अटैक। इस प्रकार से इसका अटैक किया जाता है। अब जानते हैं इसके रूल्स। जैसा कि आप दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने देखा होगा आपने कि इंक्रिप्शन में आप लोगों को सीधे किसमें हम लोग कन्वर्ट कर देते थे, सीधे साइफर में, पर यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। पहले आप उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, पहले उसको बनाएंगे टी में, फिर टी को उसको कन्वर्ट करेंगे साइफर में। तो इंक्रिप्शन बराबर है टी बराबर फॉर्मूला को टी इक्वल टू पी, पी मतलब प्लेन टेक्स्ट इनटू के वन, के वन हम लोगों का की वन मोर 26। इसी प्रकार से सी इक्वल टू टी प्लस के टू, जो टी निकल कर आए, प्लस के टू जो हम लोग के टू बनाएंगे, मतलब हम लोगों का की टू, इसमें दो की का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से डिक्रिप्शन में होता है टी बराबर सी माइनस के टू, पहले टी बराबर निकालते हैं सी माइनस के टू, जो हम लोगों का साइफर टेस्ट निकल कर माइनस के टू मोर 26 पे इक्वल टू पी बराबर टी इंटू के वन, के वन का जो हम लोगों का था K1 का इनवर्स निकालना होता है। तो K1 का इनवर्स हम लोगों ने जान चुके हैं पहले, K1 में जो हम लोग लेंगे उसका इनवर्स पहले से ही मैं बता चुका हूं मोड 26। हम लोगों ने इस वीडियो में K1 माना हुआ है कि K1 है 7 और K2 है की 2 है 2। अब यहां पर देख सकते हैं A, B, C, D, A के नीचे 1, B के नीचे 2, C, 3, D, 4, E, 5 सबके नंबर लिख दिए, सब अल्फाबेट्स के नंबर लिख दिए, जैसे जेड 26 यहां पर देख सकते हैं। अब हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया प्लेन टेक्स्ट लिया है हैकडेव, जैसा कि अपने फैमिली ग्रुप का नाम है, चैनल का नाम है प्लेन हैकडेव, तो एच ए सी के ई डी डी ई बी, एच में क्या आ रहा था 8 अल्फाबेट, एच का अल्फाबेट न्यूमेरिक क्या था, एच अल्फाबेट का न्यूमेरिक था 8, ए अल्फाबेट का न्यूमेरिक था 1, सी अल्फाबेट का न्यूमेरिक था 3, के का 11, ई का 5 और D का 4, D का 4, E का 5 और V का 22। तो हम लोगों ने ये प्लेन टेक्स्ट लिख दिया। अब इसके बाद इंक्रिप्शन की, इंक्रिप्शन की K1 हम लोगों ने माना था 7 और K2 था 2। अब जान लेंगे इंक्रिप्शन यूजिंग एल्गोरिथम। सबसे पहले हमने मैसेज इंक्रिप्ट किया H, H में क्या होता है T1, T पहले निकालेंगे T इंटू P इंटू K1, P इंटू K1, P क्या था हम लोगों का 8 इंटू K1, K1 क्या था हम लोगों की 7, 8 इंटू 7 की 56, 56 मोड 26 कितने बार जाएगा आप लोगों का 56 टू बार जाए मोड, और रिमाइंडर कितना बचा 4, तो यहां पर क्या लिख दिया 4। अब 4 क्या बन ले गया, T इक्वल टू 4, तो C बराबर लेके गेंगे C इक्वल टू T प्लस K2, T कितना था 4 प्लस K2 क्या था हम लोगों का 2, तो 4 प्लस 2 6, ये F बन गया, तो 4 प्लस 2 6, 6 को न्यूमेरिक, 6 न्यूमेरिक को अल्फाबेट में क्या कहते हैं F, इनकेप्ट ए। अब एक में क्या होता था, ए में ए के क्या होता था अल्फा का, ए अल्फा का न्यूमेरिक 1, टी टी बराबर पी इंटू के 1, पी क्या था हम लोगों का 1, और के
के वन क्या था हम लोगों को 7, 1 इंटू 7 कितना 7, रिमाइंड मोड 26 क्या 7 ही बना। सी बराबर क्या होगा टी प्लस के टू, तो 7 प्लस टू 9, 9 का क्या हुआ आई, देख सकते हैं। अब इसी प्रकार से इनके सी, सी का तैयार था 3, 3 टी बराबर पी क्या पी हम लोगों का 3, 3 इंटू 7 21, 21 मोड 26 21 ही। सी बराबर टी प्लस के टू, टी कितना हम लोगों का 21 प्लस के टू कितना 2, 21 प्लस 21 प्लस 2 23, 23 क्या हम लोगों का 23 का न्यूमेरिक अल्फा क्या था W, इसी पे इनकेप के को किया तो T बराबर P इंटू के वन, तो के वन पी वन क्या था हम लोगों का इनकेप के का हम लोगों का न्यूमेरिक क्या था 11, 11 टू 7 77, 77 मोड 26 कितना बना हम लोगों 77 इंटू मोड 26 क्या हुआ 2 बार गया और रिमाइंडर कितना बचा 25, तो यहां पर 25। सी बराबर टी प्लस के टू, 25 प्लस 2 कितना हुआ 27 मोड 26 1 रिमाइंडर बचा तो 1 ए। इसी बार इनके ई की टी बराबर पी इंटू के वन, हम लोगों ई कितने में आता था 5, 5 प्लेन टेक्स्ट की 7, 5 इंटू 7 35 और 35 मोड 26 देख सकते हैं 35 मोड 26 9 रिमाइंडर बचा T प्लस के टू, 9 प्लस 2 11, तो ये क्या बन गया K। अब हम लोग एनक्रिप्ट करेंगे D, D हम लोगों का क्या नंबर पे आता था 4, D का अल्फाबेट का नंबर क्या था 4, T बराबर 4 P इंटू के वन मोड 26, तो हम लोगों का अल्फाबेट प्लेन टेक्स्ट का न्यूमेरिक नंबर क्या था 4, 4 इंटू 7 कितना 28 मोड 26 2। अब सी बराबर टी प्लस के टू, टू प्लस टू 4, तो ये क्या बन गया D। इसी प्रकार से इनक्रिप्ट E किया, E को किया तो P इंटू के वन, P इंटू के वन मोड 26। अब हम लोग E का क्या बनता था 5, तो हम लोग पहले ही निकाल चुके K। अब इनक्रिप्ट V, T इंटू P, T बराबर सॉरी V, इनक्रिप्ट V, V का क्या आता था अल्फाबेट V का नुमेरिक 22, T बराबर P इंटू के वन मोड 26। अब लोग हम लोग 22 इंटू 7 कितना होता था 154 मोड 26 5 आ जाएगा 130 आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 24। अब सी क्या हम लोगों का 24, टी प्लस के टू, तो 24 प्लस 2 26, 26 क्या है जेड, तो हम लोगों का साइफर टेक्स्ट क्या बना, तो एप बना था एच में, देख सकते हैं एच बना हम लोगों का एप, ए बना हम लोगों का आई, सी बना हम लोगों का डब्ल्यू और के बना हम लोगों का ए और ई बना के, डी हम लोगों का डी बना और वी हम लोगों का बना था जेड, तो यहाँ पर एच क्या बना था एफ, ए क्या बना था आई, सी क्या बना था डब्ल्यू, डी क्या बना हम लोग ई क्या बना था सॉरी क्या हम लोगों के क्या बना था ए, फिर ई क्या बना था के, डी क्या बना था डी, डी क्या डी, ई क्या बना था के और हम लोगों का ये क्या वी क्या बना था जेड, तो ये हम लोगों का साइफर टेक्स्ट हो गया। हम लोगों ने जैसे जाना कि डिक्रिप्शन यूजिंग एल्गोरिथम, हम लोगों के वन क्या था 7, के वन 7 हम लोगों के वन के इनवर्स 7 का क्या जाना था 15, हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही मैंने बता दिया था ये हम लोगों को यूज करना सीधे, तो हम लोगों ने के इनवर्स 7 दिखा सकते हूँ, आप देख सकते हैं आप यहाँ पर के इनवर्स के 7 का के इनवर्स क्या था 15, तो हम लोगों ने जैसे जैसे जाना के इनवर्स 7 का क्या निकला 15। अब डिक्रिप्शन वापसी करेंगे एफ को, हम लोग कन्वर्ट वापसी करेंगे अपने मैसेज में, तो टी बराबर C माइनस के टू, टी बराबर C क्या था हम लोगों का F, F क्या है हम लोगों का 6, तो 6 माइनस के टू क्या था हम लोगों का 2, 6 माइनस 2 4। अब P बराबर T इंटू के इनवर्स मोड 26, T क्या था हम लोगों का अब बना 4, 4 इंटू के इनवर्स क्या है 15, 4 इंटू 15 कितना हुआ 60, 60 मोड 26 2 आ जाएगा रिमाइंडर 8, तो ये बन गया 8 बन गया H। इसी प्रकार से डिक्रिप्ट आई किया, आई हम लोगों का क्या अल्फा में आता है 9, टी बराबर सी माइनस के टू, तो सी क्या है 9, 9 माइनस 2 7, पी बराबर टी इंटू के इनवर्स, तो टी क्या हम लोगों का 7 इंटू 15 कितना हुआ 15 इंटू 7 105 मोड 26 कितने बार गया 4 बार और रिमाइंडर कितना बचा 1, यहां पर ए बन गया वापसी। अब इसी प्रकार से डिक्रिप्ट W को किया, W किस में आता था हम लोगों का 23 में, C माइनस के टू, 23 माइनस 2 कितना हुआ 21,
अब पी बराबर टी इंटू के इनवर्स 21 इंटू 15 मोड 26, तो इसमें रिमाइंडर बचेगा 3। ये आप लोग करेंगे डिक्टिव ए, इसी प्रकार से ए को हम लोग वापसी किया तो ए क्या था 1 सी माइनस के टू, 1 माइनस टू अब करेंगे तो आप लोग सोचोगे 1 माइनस टू करूंगे तो माइनस 1 आएगा, याद रखना 1 क्या होगा 26 से ऐड हो जाए तो 26 1 प्लस कितना हो जाए 27 माइनस 2 25। अब 25 पी बराबर टी इंटू के इनवर्स 25 इंटू 15 मोड 26 करेंगे तो हम लोगों का 11 आएगा, वो के में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से डिक्टिव के, के क्या था हम लोगों का 11, 11 माइनस 2 9, पी बराबर टी इंटू के इनवर्स 11 इंटू 15 मोड 26 9 into 15 मोड 26, तो क्या बना हम लोगों का 135 मोड 26, तो हम लोगों का क्या आया 130, रिमाइंडर बचा था 5, तो 5 क्या कन्वर्ट हुआ ई डिक्टिव जेड, जेड को हम लोगों ने डिक्टिव किया तो 26 माइनस 2 टी बराबर सी माइनस के टू 26 माइनस 2 24, पी बराबर टी इंटू के इनवर्स मॉड 26, तो हम लोगों का टी क्या था 24 इंटू 15 मॉड 26 करेंगे तो हम लोगों का रिमाइंडर बचेगा 22, वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट वी में। तो हमने देखा जैसा कि एफ किस में कन्वर्ट हुआ एच में, और फिर इसके बाद आई किस में कन्वर्ट हुआ ए में, फिर सी के डब्ल्यू किस में कन्वर्ट हुआ सी में, देख सकते हैं जैसा कि डब्ल्यू सी में कन्वर्ट हुआ, और फिर ए किस में कन्वर्ट हुआ के में, ई किस में कन्वर्ट, के किस में कन्वर्ट हुआ वापसी ई में, और फिर हम लोगों का डी की डी में था तो डी डी, फिर इसके बाद जेड, फिर हम लोगों को वापसी ई के किस में कन्वर्ट हुआ ई में, फिर इसके बाद जेड किस में कन्वर्ट हुआ वी में, तो ये वापसी हम लोगों का मैसेज बन गया हैक डू। फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए जो समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर।